अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। यहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पारस अस्पताल पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बता दें कि बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद उनको काफी चोट आई थी और उनका बायां कंधा भी टूट गया था और अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां राजनीतिक दलों के नेता लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार ने पारस अस्पताल में मिलकर उनका हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। समाचार पत्रों में खबर थी और उसी दिन हमने इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी रखी थी। ये हो रहा था, आज तो हम देखने भी आए हैं। पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। बाद दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं। हमारे तो बहुत पुराने समाज के बच्चे अपना यंग एज से ही सब सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी तो करेगी ही, तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो यही हम लोगों की कामना है और मुझको पूरा भरोसा है।